नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ध्रुव क्रिएशन पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, करवा चौथ 2023 में कब है और कब निकलेगा चांद और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और सर्गी किस समय खाना है, कौन देता है सर्गी, जानिए सब कुछ ज्योतिष के अनुसार। दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्र आदि के अनुसार हर महीने कोई ना कोई उपवास, कोई ना कोई पर्व, त्योहार या संस्कार आदि आता ही रहता है। किंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। दरअसल इस दिन को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को रखते हैं तो उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। यह ना सिर्फ पति की उम्र बढ़ाता है बल्कि यह प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। यह व्रत ही नहीं होता अपितु इसमें प्यार भी छुपा होता है, यह सच्चे प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, इस व्रत को सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती है। दोनों के बीच एक रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है जैसे मानव प्रकृति आपस में बातें कर रही हो, जैसे धरती और अंबर, जैसे सागर और नदी का मिलन होता है। उसी प्रकार करवा चौथ पर प्रेमी जोड़ों के लिए आपस में प्यार समर्पण करने का खास दिन माना जाता है, खास आदि माना जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। यदि किसी कारणवश पति ना कर पाए तो पत्नी को करना चाहिए। पत्नी यदि बीमार हो तो पति को पत्नी के लिए आत्मसमर्पण हेतु व्रत आदि करना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव और मां पार्वती अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि इससे जीवन सुखद होने लगता है कि पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। किंतु उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में इस दिन अलग ही नजारा होता है। दोस्तों, करवा चौथ है व्रत के दिन एक और जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है तो दूसरी ओर दिन ढलते ही विवाहिताओं की नजरें चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती हैं। निकलने के पश्चात घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। दोस्तों, गरुड़ धर्मार्थ के माध्यम से सभी जानकारी हम बारी बारी से बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना और एक लाइक अवश्य करें, कमेंट्स में लिखें जय माता पार्वती, क्योंकि यह व्रत माता पार्वती को समर्पित होता है। जब आप कमेंट में जय माता पार्वती लिखते हैं तो इससे आपके पति की आयु बढ़ेगी तथा पत्नी की आयु बढ़ेगी। और हाँ, बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे ताकि करवा चौथ पर आपको लाभ प्राप्त हो जाए। दोस्तों, दरअसल सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के पश्चात आसमान के चमकते चांद का दीदार कर अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपना व्रत खोलती है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के पश्चात शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के पश्चात ही व्रत जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि विवाह उपरांत 12 या 16 साल तक लगातार इस व्रत को किया जाता है। दोस्तों, किंतु इच्छा अनुसार जीवन भर भी विवाहिताएं इस व्रत को रख सकती हैं। माना जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत आदि नहीं होता। दोस्तों, हम यह जानते हैं कि आखिर 2023 में करवा चौथ कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों,
2023 में इस बार करवा चौथ नवंबर के महीने में यानी 1 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन बुधवार है और पूजा करने का मुहूर्त है शाम 5:36 बजे से लेकर शाम 6:54 बजे तक। जो जो की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है और चांद निकलने का समय है 8:15 बजे, जो कि इस बार चांद जल्द ही निकलेगा। हर जिले में चांद अलग अलग निकलता है, अलग अलग समय पर निकलता है, किंतु चांद निकलेगा जरूर। आपका व्रत और सफल होगा। दोस्तों, खास करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं करती हैं एक बड़ी गलती, जाने अनजाने में पहन लेती है ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर आते हैं भारी संकट। इसीलिए खासकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और घर पर ऐसी चुन्नी कभी ना उठे। दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। मैं लगभग सभी अभिनेत्रियां इस व्रत को भली भांति करती हैं। आपको बता दें, विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को मानती हैं। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग तैयारियां महिलाएं कई दिनों पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। किंतु क्या आप जानते हैं, खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी नहीं पहननी चाहिए। यहां तक कि मैं अभिनेत्रियां भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती, व्रत टूट जाता है, पति पर आते हैं भारी संकट। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि यह त्योहार पति के लिए किया जाता है, इसीलिए ऐसा पाप अनर्थ कभी मत करना। तो चलिए जानते हैं गरुड़ धर्मार्थ चैनल के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले आप यह जान लें कि करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक सुहागन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है, जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदियां, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों की बिछिया, आपकी शादी की चुन्नी जो कि बहुत महत्व रखती है। ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगारों में से कोई भी एक चीज कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। हां, आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार दे सकते हैं, किंतु आप अपना कभी ना दें, अन्यथा पति पर संकट आ सकते हैं, आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं, पति पत्नी में प्रेम कम हो सकता है, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पति पत्नी में प्रेम कम हो जाए, इसीलिए थोड़ा संयम नियम का पालन अवश्य करें। दोस्तों, आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिसके कारण व्रत कभी ना टूटे, पति कोई भी संकट ना आए। तो चलिए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है, यहां तक कि फेरों के समय में भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। किंतु इसी के साथ ही, क्या आप जानते हैं, खास तौर पर करवा चौथ के दिन एकदम सफाचट सफेद साड़ी, सफेद सूट, फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों ना लगे हो, आपको करवा चौथ पर कतई नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि यह रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए, यहां तक कि उपहार में भी एक व्यक्ति को, महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, बहुत अशुभ माना जाता है। दोस्तों, खास करवा चौथ पर यदि आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत खुशी होती है, साथ ही साथ माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद, क्योंकि यह जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी है और मंत्रों से बंधा होता है, तथा बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ और देवी देवताओं का, माता का आशीर्वाद होता है। इसीलिए शादी का जोड़ा खास करवा चौथ पर अवश्य पहनना चाहिए। ऐसे में यदि आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है
तो आप बाजार से भी लाल चुन्नी लाल कपड़े पहन सकते हैं। दोस्तों, खास करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला, गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं, जो कि ये रंग गलत नहीं होते। खास करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकती हैं। खासकर करवा चौथ पर मांग में ऐसा सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए होता है, घोर अनर्थ लगता है स्त्री को, और ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल कभी नहीं होता। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर वन, सबसे पहले आपको बता दें, जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं, इसीलिए मां को एक लायक तो बनता है। दोस्तों, नंबर टू, खासकर करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी ना करें, कम से कम आज के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। माता पार्वती को बहुत खुशी होती है जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है। दोस्तों, नंबर थ्री, कई लोग फैशन के लिए माथे पर शार्ट सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, किंतु शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। यदि हल्का सा सिंदूर लगती है तो इससे आपके पति पर सदैव विपदाएं बनी रहेंगी। आपका पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकता है, आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं, आपके पति के कई संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्रेम और बढ़ जाता है, पति भी होता है आकर्षित, मिलता है लंबी उम्र का वरदान। इसीलिए से कम, खासकर करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों, नंबर फोर, सिंदूर की डिबिया यदि हाथों से गिर जाए तो यह भी शुभ लक्षण नहीं होते। यदि ऐसा हो जाए तो माता पार्वती को याद अवश्य करें, बला टल जाती है। साथ ही साथ सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है, दोनों के बीच आती है भारी विपदाएं। दोस्तों, नंबर फाइव, यदि आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है, माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और मिलता है सात जन्मों तक का साथ। ये दृश्य इस बात का इशारा करता है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है। माता पार्वती को होती है खुशी, मां बचाती है संकटों से। देखिए कि इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो में आपको करवा चौथ की विधि भी बताई गई है। दोस्तों, खास करवा चौथ पर जब आप शॉपिंग करें तो क्या खरीदें और क्या नहीं, और क्या लाना और क्या पहनना और क्या खरीदना सबसे जरूरी माना जाता है, आइए जानते हैं। दोस्त, करवा चौथ अब बस कुछ ही दिन दूर है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप जल्द से इस खास दिन के लिए जरूरी चीजों की शॉपिंग कर लेनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि खास करवा चौथ पर क्या खरीदें और क्या नहीं, और क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास माना गया है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, इस खास करवा चौथ पर सबसे पहले आपको बता दूं, खरीदारी करते समय क्या खरीदना सबसे खास माना गया है, यह जानना आपको बहुत ही जरूरी है। नंबर वन, कपड़े महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ियां या लहंगे को ही पहनती थी, किंतु अब जमाना बदल गया है। अब महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशन कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप चाहे ये कपड़े किसी भी तरह के ले सकती हैं, किंतु लाल, हरा, पीला, गुलाबी, महरून और ऑरेंज कलर सबसे खास माने गए हैं। लाल रंग के जोड़े का सकारात्मक असर कुछ अलग ही रंग लाता है और इसे पहनना भी शुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर टू, वहां वाया को आसान भाषा में इस तरह समझा जा सकता है कि यह वह तोहफा होता है जो सास को दिया जाता है।
इसीलिए बाजार से खरीदारी करते समय एक बहू को यह ध्यान होना चाहिए कि बाजार से अपनी सास के लिए कोई गिफ्ट अवश्य खरीदें और उन्हें दे दें। दोस्तों, नंबर की चूड़ियां, चूड़ियां लेना कतई ना भूलें। सुहागन के सिंगार में इसका खास महत्व माना जाता है, इसीलिए इसे अवश्य लें। इसके लिए चाहें तो आप मैचिंग चूड़ियां ले सकती हैं या फिर हैवी खड़े ले सकती हैं। करवा चौथ में इसका होना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके बगैर करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, नंबर 4, आभूषण। करवा चौथ पर आभूषण की खरीदारी की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाएं अपनी साड़ी के साथ ही आभूषण लेना भी पसंद करती हैं। आप चाहे तो ट्रेडिशन या फिर मॉडर्न आभूषण ले सकती हैं। दोस्तों, नंबर 5, करवा चौथ से पहले महिलाएं घर पर ही मेहंदी लगाया करती थीं, किंतु अब मार्केट में ही उन्हें आसानी से मेहंदी लगाने वाले मिल जाते हैं। वैसे यदि आप इसके लिए लंबी लाइन नहीं लगाना चाहती हैं तो घर पर ही मेहंदी लगाना एक बेहतर ऑप्शन माना जाएगा। दोस्तों, करवा और छलनी करवा, मिट्टी से बना छोटा सा करवा होता है जिसमें पानी भरा जाता है। कड़वे से चांद को देखते हुए पानी चढ़ाया जाता है, वहीं छलनी से चांद को देखा जाता है और फिर पत्नी पति को देखती है। कड़वे से ही पति पत्नी को पानी पिलाता है। यदि ये दोनों चीज करवा चौथ पर ना हो तो आपका व्रत सफल नहीं माना जाएगा, बल्कि अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। नंबर 7, खास करवा चौथ पर मोर पंख अवश्य खरीदने चाहिए। इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। खास करवा चौथ पर मोर पंख घर में लाने से दौलत का आगमन भी होता है। पति पत्नी को अपने कमरे में मोर पंख अवश्य लगाना चाहिए, इससे प्यार और बढ़ जाता है। दोस्तों, नंबर 1, खास करवा चौथ पर तिलिया या सिखों का होना बहुत ही अहम माना गया है। चौथ पर तिलियां अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि खास करवा चौथ पर क्या ना खरीदें और किन किन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1, खास करवा चौथ पर सफेद कपड़ा और काला कपड़ा कतई ना पहने, ऐसा करने से रिश्तों में नेगेटिविटी आएगी। नंबर 2, करवा चौथ खुशी का त्योहार माना जाता है, ऐसे में धारदार चीजें, चाकू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। पति पत्नी में झगड़ा आदि हो सकते हैं। नंबर 3, करवा चौथ टूटी हुई छलनी और चटका हुआ करवा बिल्कुल भी ना खरीदें, आपका व्रत खंडित हो सकता है, ऐसे में आपको अशुभ परिणाम मिल सकते हैं, ऐसा करने से बचें। दोस्तों, नंबर 4, करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली सीखें या तिलियां बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, जैसे उनकी टूटी हुई डंडियां बिल्कुल भी ना हो। यदि यह तीलियां टूटी हुई हैं तो आप इन्हें इस्तेमाल ना करें और दूसरी बाजार से खरीद लें। दोस्तों, नंबर 5, सबसे पहले मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करें। बगैर मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा, इस बात का ज्ञान सदैव आपको होना चाहिए। जो महिला मुहूर्त पर पूजा पाठ करती है तो उसके पति को कई लाख गुना व्यापार में फायदा होता है, में मधुर फल प्राप्त होते हैं। देखिए, पहले आप मुहूर्त में पूजा पाठ कर लें, आप आराम से कहीं बैठ जाइए, फिर चंद्रोदय के पश्चात पूजा पाठ करने से मुहूर्त का लाभ भी मिल जाएगा और चांद के दीदार भी हो जाएंगे। दोस्तों, करवा चौथ के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, एक सुहागिन महिला को ना ही गलत रंग का कपड़ा पहनना चाहिए और ना ही किसी औरत को अपनी ये चीज देनी चाहिए, अन्यथा आपके पति का जीवन संकट में पड़ जाएगा, आप रिश्ते भी टूट सकते हैं। करवा चौथ का पर्व कोई साधारण पर्व नहीं है, यह बात आप लिख लें। स्त्री को सदैव यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसका पति सिर्फ उसी के लिए बना है, अर्थात यदि कोई औरत अपना मेकअप किसी गैर औरत के साथ शेयर करती है तो उसका पति भी कहीं और शेयर हो जाता है, मतलब आपका पति नहीं रहता, उसका मन कहीं और भटकने लगता है। ऐसे में आपका मंगल सूत्र, सिंदूर, यहां तक कि पैरों से लेकर बिंदियां तक कोई भी चीज किसी औरत को शेयर ना करें, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। आपके पति पर बस आपका हक है
और आपका हक कोई और औरत नहीं छीन सकती। दोस्तों, ये बात आप लिख लें। आप नया मेकअप खरीद कर दे सकते हैं, किंतु आप ना तो मरते दम तक किसी को मत देना, चाहे गंगा में विसर्जित कर देना, किंतु किसी औरत को मत देना। दोस्त, खास तौर पर करवा चौथ का व्रत एक अधूरी शादी वाली महिला को कभी नहीं रखना चाहिए। यदि आप गर्भवती हैं और आप इस व्रत को रखने में सक्षम हैं, तो आप इस व्रत को रख सकती हैं। यदि आपकी स्थिति व्रत रखने की नहीं है, तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। साथ ही साथ कुंवारी कन्या करवा चौथ का व्रत रख सकती है। और वहीं यदि आपकी कोर्ट मैरिज हुई है और सात फेरे नहीं हुए हैं, तो ऐसे में आप इस व्रत को कभी ना रखें, क्योंकि यह शास्त्रों के विरुद्ध माना जाएगा। ऐसा मत करना, पहले हिंदू रीति रिवाजों के साथ सात फेरे ले लें, तभी ही इस व्रत को कर सकती है। दोस्तों, जो स्त्री कोर्ट कचहरी से शादी करती है और सात फेरे नहीं लेती है, तो ऐसी शादी अशुभ मानी जाती है। फिर चाहे वह किसी भी धर्म से शादी क्यों ना हो, ऐसी शादी पवित्र ही मानी जाती है। ऐसी औरत मात्र एक रखेल के रूप में देखी जाएगी, मात्र यह रिश्ता कचरा है और कुछ नहीं। जिस शादी में सात फेरे होते हैं, परिवार सहित आशीर्वाद होता है, वह शादी संपूर्ण और सफल एवं खुशी और एक अच्छे पैमाने के साथ देखी जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और व्रत रखने से पहले सर्गी कैसे लें, किस समय लें और इसे कौन देता है। एक कथा के अनुसार, सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देव पार्वती की सांस नहीं थी, इसीलिए मायके से माता मैना ने इन्हें सर्गी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सर्गी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार, जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था, तब उनकी सासू माँ कुंती ने सर्गी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सर्गी की परंपरा जुड़ी हुई है। सर्गी के समय लेना चाहिए, सबसे आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सर्दी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, नारियल पानी इस समय आप अवश्य पिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी आप खा सकते हैं, तला भुना भूलकर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा ज्यादा फलों का जूस पिए। सर्गी में लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना, नहीं तो माँ देवी पार्वती आपसे खुश नहीं होंगी, नाराज हो जाएंगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सर्गी खाने का समय सूर्योदय से पहले सर्गी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के पहले अवश्य खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके पश्चात सूर्य उदय हो जाता है। इसके पश्चात आप खाएंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा, से शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाने में यह चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूल कर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप खड़ी पकौड़ा, खीर, पूरी, हलवा आदि अवश्य बनाएं। आप तो आलू, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर आदि बना सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं, किंतु माता रानी के लिए खास भोग में हलवा, पूरी, खीर, छोले की सब्जी आदि बना सकते हैं। करवा चौथ पर यदि आपका पति मदिरा का सेवन करता है, तो समझो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, आपके पति की आयु घट जाएगी, चौथ माता क्रोधित हो जाएंगी। इसीलिए करवा चौथ का व्रत सूझबूझ के साथ रखा जाता है, इसमें कोई गलती ना करें। लहसुन प्याज का खाना तो कभी मत बनाना, क्योंकि यह भोग चौथ माता को लगता है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।